घर पे संजन आ गए तो डिनर पे, और वहाँ पे ये एक ड्रामा चल रहा है अपना दुर्जन का और साजन के, शायद डबल रोल का ऐसा कुछ है। तो बाद में पता चलता है कि बंदा तो एक ही, खैर ये इनसाइड स्टोरी है, मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं इसके बारे में। तो वहाँ से हम किसी कारणवश बाहर निकल आए, और भूपेश का पूरा ध्यान है कि यार ठीक है, भाई से नहीं मिलना तो मत मिल यार, अंदर तो ले चल, कम से कम खाना तो खा ही लेंगे, क्योंकि भूखड़ टाइप का एक इंसान है ये भूपेश। तो बड़ी मज़ेदार स्टोरी है, और ये छोटा सा मैंने आपको सीन बताया। तो ऐसे कर करके स्टोरी में काफ़ी चीज़ें आएंगी जहाँ से स्टोरी काफ़ी मोड़ लेगी, और आपको गारंटी के साथ बहुत सारा लाफ्टर मिलेगा इस एपिसोड में। जो संदीप है वो कुक बने, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसके बारे में कहना चाहूँगा कि वो एक काफ़ी झूठा टाइप आदमी है मेरा जीजा, और कुछ ना कुछ ऐसे ड्रामे करता रहता है, और उसे मौका मिला है कि भाई मैडम के साथ जब भी कुछ क्लोज जाने का मौका मिलता है तो वो कुछ ना कुछ कैरेक्टर पकड़ के ऐसा करता है, और अभी भी वही चीज़ हो रही है। तो इसलिए वो कुक के कैरेक्टर में जो उसने पकड़ा है, और वहीं से वो रायता फैल रहा है, और जो रायता फैलता है उसको समेटने में सारी कॉमेडी निकल के आती है। तो आप देखोगे जो रायता फैल रहा है उसको सिमटते हुए देखोगे तो कॉमेडी आपको समझ में आएगी। मतलब सब चीज़ें उन्होंने मैडम के लिए की है। हाँ बस वही था कि जीते हैं जिसके लिए, मरते हैं उसी के लिए, तो बस ये स्टोरी है, और जो चलती रहती है उसी में सारे मसाले निकल के आते हैं। और आगे किस तरह के ट्विस्ट आने वाले हैं? आगे बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि पीछे से हमें कहा जाता है कि सारी चीज़ें मत बताओ वरना ऑडियंस सब चीज़ें जान लेती है, तो मसाले थोड़े कम हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मसाले थोड़े रहने चाहिए अंदर। कल न्यू ईयर है तो कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं आप, क्या प्लान्स हैं? न्यू ईयर पे मैं ज़्यादा प्लान करता नहीं हूँ, मैं बड़ा सिंपल सा इंसान हूँ यार, मैं प्लान्स बनाने में विश्वास नहीं करता, क्योंकि जब भी प्लान्स बनाते हैं ना वो फ्लॉप होते हैं। तो मुझे लगता है गो विद द फ्लो, जैसे नदी बहती है बहते रहो, और कुछ प्लान बनना होगा तो बन जाएगा, वरना आप सोचो यार इस वाले ग्रुप के साथ हम वहाँ जाएंगे, इस वाले ग्रुप के साथ वहाँ जाएंगे, एट द एंड ऑफ द डे होता है कि हम कहीं नहीं जाते, घर में बैठे रहते हैं। तो मैं सोचा कि मैं घर में ही बैठा हूँ और कहीं चला जाऊँगा तो इससे अच्छी कोई बात होगी नहीं, वरना मैं आराम से अपना एक गुआवा, मेरा फेवरेट जूस है वो मंगाऊंगा, और अपना एक बर्गर मंगाऊंगा, और खा के आराम से गजलें सुनूंगा और मस्त नींद में सोऊंगा। सर, व्यूअर्स को क्या कहना चाहिए न्यू ईयर्स के लिए? व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, और भगवान आपको बहुत अच्छी हेल्थ दे, बहुत खुशियाँ दे, आप मुस्कुराते रहे, आपको वेल्थ भी दे, है ना, वेल्थ से थोड़ा ज़िंदगी में मज़ा आता है, आप ज़िंदगी को।